नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो और मजे में हो। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर जातक की कुंडली में शनि महाराज 11वें घर में एकादश भाव में स्थित हो तो वो किस तरह का फल देते हैं। शनि महाराज ये 11वें घर में स्थित हो तो जातक को किस तरह का फल देते हैं। शनि महाराज 11वें घर में अपने आप को बहुत शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करते हैं। 11वें घर में शनि महाराज अपने आप को बहुत सुखी, कंफर्टेबल बहुत महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको 11वां भाव। शनि इस भाव में, इस घर में फल भी बहुत अच्छे देते देखे गए हैं। 11वां घर मुख्य रूप से लाभ का है। शनि महाराज इस घर में जातक को अच्छा लाभ देते देखे गए हैं। उनको अपने मित्रों से और हितैषियों से भी बहुत लाभ होता है और इन लोगों का सर्कल, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। हितैषी और मित्र इनके बहुत संख्या में होते हैं। शनि महाराज इस भाव में व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि जो 11वां भाव होता है वो व्यक्ति की कामनाओं का होता है। 11वें भाव में अगर शनि स्थित हो तो जातक पुराने तौर तरीकों से ही काम करते हैं, ज्यादा नए तौर तरीके नहीं अपनाते, जो पुराने चले आ रहे हो तौर तरीके उनसे ही काम करते हैं। जैसे अगर कुछ जातक बाप दादा का चला बिजनेस या धंधा करे तो वो पुराने तरीके जो कि कसौटी पर पूरी तरह परखे हों भी इस तरीके में लाभ ही लाभ है, वही तरीका अपनाएगा। जल्दी जल्दी वह जातक नया तरीका नहीं अपनाएगा, पुराने तरीके से ही काम करेंगे। 11वें शनि वाले जातक अपने जीवन में कोई बड़ा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। जैसे हमें पता ही है कि सभी ग्रहों में शनि की गति सबसे कम है, तभी इसको शनैचर कहते हैं कि ये धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे चलते चलते हैं। इसलिए अगर 11वें भाव में, लाभ भाव में शनि स्थित हो तो व्यक्ति को लाभ भी धीरे धीरे देते हैं। इस तरह नहीं कि रातों रात व्यक्ति अमीर बन जाए, मगर एक बात जरूर है कि जिंदगी में एक दो बार व्यक्ति को बड़ा लाभ देते देखे गए हैं। 11वें भाव में शनि स्थित हो तो जीवन में एक दो बार व्यक्ति को बड़ा लाभ देते देखे गए हैं। जैसे व्यक्ति के पास अचानक से ही पैसा आ जाना, और व्यक्ति ने पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ी तरक्की कर लेनी, उम्मीद भी नहीं होनी होती कि पॉलिटिक्स में इतनी तरक्की हो जाएगी। एमसी की इलेक्शन जीत जाना, एमएलए की इलेक्शन जीत जाना, ऐसे पॉलिटिक्स में अच्छी तरक्की कर लेते हैं। या पॉलिटिक्स के सहारे किसी बोर्ड या कॉरपोरेशन का चेयरमैन बन जाना, कोई अच्छा ओहदा हासिल कर लेना, ऐसी तरक्की भी अचानक शनिदेव देते देखे गए हैं अगर 11वें भाव में स्थित हो। शनि का लाभ धीमे देने का में भी व्यक्ति को फायदा ही होता है। शनि महाराज धीमे धीमे लाभ देते हैं ना, तो इसमें व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता, व्यक्ति का फायदा ही होता है। क्या फायदा होता है? वह इस समय में काफी कुछ सीख जाता है। जिस समय में शनिदेव लाभ नहीं देते उस समय में वह व्यक्ति काफी कुछ सीख जाता है कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है। उसको समझ आ जाता है कि ये दुनिया क्या चीज है, क्योंकि शनि महाराज एक विद्वान ग्रह है और इनको बुरा ग्रह माना जाता है। इसलिए शनि महाराज 11वें घर में हो तो वो व्यक्ति का तजुर्बा उसकी उम्र से ज्यादा होता है, जितनी उसकी उम्र होती है उसका एक्सपीरियंस, उसके पास तजुर्बा उससे ज्यादा होता है। और दुनियादारी का ज्ञान कि दुनिया से कैसे बिहेव करना है, दुनिया से कैसे डील करना है, दुनिया से कैसे निपटना है, उसका ज्ञान भी व्यक्ति के पास ज्यादा होता है। शनि 11वें वाले व्यक्ति को शनि अच्छी तरह से गाइड करते हैं ताकि वो कहीं गलत दिशा में ना चले जाएं। जिनका शनि 11वें होता है उनकी दिशा भी सही होती है और दशा भी सही होती है, काम सही दिशा और दशा में करते देखे गए हैं ऐसे व्यक्ति। शनि 11वें वाले व्यक्ति बहुत अच्छी खेती बाड़ी करते भी देखे गए हैं। जिनका शनि भाई 11वें भाव में होता है ऐसे व्यक्ति खेती बाड़ी में भी बहुत कामयाब होते देखे गए हैं। वह धीरे धीरे अपनी जमीन को बढ़ाते चले जाते हैं और वो अपनी जमीन में हर तरह की फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। भांत भांत की फसलें उगाते हैं और भांत भांत की प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं और उसमें मुनाफा कमाते हैं।
शनि ग्यारहवें वाले जातक के उस जातकों के जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो मित्र होते हैं, वो हर क्षेत्र में होते हैं, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे गवर्नमेंट इम्प्लाई हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इनके मित्र होते हैं। और जब भी इनको जरूरत पड़ती है, जब भी इनको नेसेसिटी होती है अपने मित्रों की, तो वो इनके साथ खड़े होते हैं। अगर शनि महाराज बकरी हो ग्यारहवें भाव में, देखिए ये पॉइंट नोट करें, अगर शनिदेव ग्यारहवें भाव में बकरी हो जाएं, तो ऐसा देखने में आया है कि वो जातक गलत संगति में पड़ सकता है। ऐसा डर है कि वो कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए, इसलिए जिनका शनि ग्यारहवें भाव में बकरी होकर बैठे हों, उनको अपने मित्रों का चयन ध्यान पूर्वक करना चाहिए, ताजो उनको धोखा ना मिल सके। ग्यारहवें शनि वाले जातकों की पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। भाई इनकी पर्सनैलिटी तो बहुत गजब की होती है, और इनका जो स्वभाव होता है बहुत दयालु होता है, गरीबों की मदद अक्सर करते देखे गए हैं। किसी गरीब लड़की की शादी कर दी, किसी गरीबों को कपड़ा दान कर दिया, स्कूल में गए किसी में गरीब बच्चों को कापी किताबें दान कर दी, ऐसा काम अक्सर करते रहते हैं। और जो इनके नीचे काम करते हैं व्यक्ति, वो भी इन पर पूरा भरोसा करते हैं, इनका काम बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार अपने नीचे काम करने वाले व्यक्ति के साथ भी बहुत अच्छा होता है। अगर शनि महाराज ग्यारहवें भाव में अशुभ राशि में पड़े हो, जान के ऊपर शुभ प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा हो, बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ रहा हो, तब ये फल खराब रहेंगे। थोड़ा सा शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो ग्यारहवें भाव में, तब भी ये अच्छा फल देते देखे गए हैं। अगर ज्यादा ही शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो ये व्यक्ति के कामों में बिगड़ डाल सकते हैं, और व्यक्ति पैसों कमाने के लिए, धन कमाने के लिए गैर कानूनी ढंगों की बरतो कर सकता है, गैर कानूनी तरीके अपना सकता है। ये तो होगी भाई शनि की ग्यारहवें घर में फलादेश। अगर शनि कुंडली के ग्यारहवें घर में स्थित हो तो वो क्या फल देता है, अब दृष्टि पर भी नजर डाल लें जल्दी से। शनि की ग्यारहवें भाव में स्थित होने पर तीन दृष्टियां होती हैं, चाहे किसी भी भाव में स्थित हो, शनिदेव की तीन दृष्टि होती हैं, तीसरी सातवीं और दसवीं। देखिए पहली दूसरी तीसरी, तीसरी दृष्टि शनि महाराज की पड़ेगी लग्न पर। अगर लग्न में दसवीं राशि हो, ग्यारहवीं राशि हो, या सातवीं राशि हो, या कोई और शनि की मित्र राशि हो, तो जातक के पास बहुत अच्छे गुण होते हैं। जातक के पास कोई बहुत अच्छा हुनर होता है, जो आपको बहुत कम व्यक्तियों में मिलता है, ऐसा हुनर होता है जातक के पास। जैसे कोई कोई होता है ना, जैसे कोई मैकेनिक होता है, कोई इंजीनियर होता है, उसके पास बहुत अच्छा हुनर होता है, ऐसा हुनर होता है जातक के पास। बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है उसके पास, जातक मेहनती होता है और हमेशा अनुशासन में रहता है, उसका मन स्थिर रहता है, मन डोलता नहीं है जल्दी उसका। अगर शत्रु राशि हो लगन में, तो जातक का स्वभाव थोड़ा जिगड़ालू हो सकता है, और उसमें थोड़ी क्रूरता आ सकती है, थोड़ा क्रूरपन आ सकता है जातक के स्वभाव में। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं सातवीं की, चार या हो गया पांच छ सात, जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी शनि महाराज की, वो पांचवें घर पर पड़ेगी। अगर जहां पर दसवीं राशि हो, ग्यारहवीं राशि हो, सातवीं राशि हो, तो जातक का अपनी इमोशंस पर, अपनी जो भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होता, भावनात्मक नहीं होता वो, जल्दी जल्दी से इमोशनल नहीं होता, पूरा कंट्रोल होता है उसका अपनी इमोशंस पर, और वह अपने दुश्मन को पता नहीं चलने देता कि उसमें उसके मन में क्या है, और वो अपने दुश्मनों से बहुत डिप्लोमेटिक वे से, बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक वे से अपने दुश्मनों से निपट लेता है, और उसका दुश्मन हमेशा उसके सामने नीचा ही पड़ता है, हमेशा हारता ही है उससे, लड़ाई में नहीं हारता, दिमाग से हराता है ये अपने दुश्मन को, अगर शुभ दृष्टि पड़ रही हो। अगर जहां शत्रु दृष्टि पड़ रही हो, तो जब शत्रु राशि में शनिदेव पड़े हो, तो जातक थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। इसका एक कारण ये भी देखा गया है कि अपने बच्चों के कारण, अपने संतान के कारण, जैसे बच्चे कहीं दूर जाने चले गए, या बच्चे इनके कहने में ना हो, बच्चे इनकी बात ना मानते हो, इस कारण से जातक थोड़े चिंतित देखे गए हैं। अब दसवीं दृष्टि की बात करते हैं, देखिए दसवीं दृष्टि पड़ गई आठवें भाव पर।
तो जातक को अचानक धन लाभ करवा देती है जान। आठवां भाव अचानक धन लाभ का भी है, शनि महाराज की अगर दसवीं दृष्टि आठवें भाव पर पड़ रही हो तो जातक को अचानक धन लाभ करवा देती है। जैसे बसियत से कोई नजदीकी रिश्तेदार की डेथ हो गई, पता भी नहीं था कि इसको पैसे दे जाएगा और उसको पैसे देकर चला जाता है, वो बसियत उसके नाम कर चला जाता है। पैतृक धन भी मिलता है ऐसे जातकों को, बाप दादाओं का बहुत धन मिलता है। अगर शुभ हो, जहां पर शनि की शत्रु राशि हो, शुभ हो तो जातकों को अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हाथ पैर सुन्न होते हों, आंखें फटकती हों, ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका इलाज करवा लेना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर शत्रु राशि में पड़ा हो या ज्यादा ही शुभ प्रभाव में पड़ा हो आठवें घर में, तो भाई पैतृक संपत्ति में मिलने में थोड़ी बाधा आ सकती है, कई बार कोर्ट केस भी करना पड़ सकता है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। अगर कोई जातक शनि देव के अशुभ प्रभाव महसूस कर रहा हो तो उसको क्या क्या उपाय करने चाहिए, देखिए नोट कर लें आप। शनिवार के दिन कौवे, क्रो होती है जो कौवे, और भैंसे, बिल्कुल काली भैंसे और बिल्कुल काले होते हैं कौवे, तो उनको खाने के लिए कुछ डालना चाहिए। भैंसों और कौओं को खाने के लिए कुछ ना कुछ डालना चाहिए शनिवार के दिन। दूसरा उपाय क्या है, शनिवार के दिन बजरंगबली जी के मंदिर जाकर बजरंगबली जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे संकट मोचन, मेरे सभी कष्ट दूर करो। आगे और क्या उपाय करना चाहिए, शनिवार के दिन काले नीले कपड़े गरीबों को दान करने चाहिए, काले रंग के कपड़े और नीले रंग के कपड़े गरीबों को दान करने चाहिए। अगर किसी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हो और वहां की वर्दी या ड्रेस ब्लू है, नीली है, तो उसको बच्चों को ड्रेस वगैरह भी आप दान कर सकते हैं, ये भी अच्छा उपाय है। और शनिवार के दिन शाम के समय जब सूरज ढल चुका हो और अभी थोड़ा सा उजाला हो, उस समय पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाना है शनिवार के दिन इवनिंग को। अगर आप ये उपाय करेंगे तो ईश्वर की कृपा से शनि देव के शुभ प्रभावों में कमी आएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, शनि देव अगर 11वें भाव में स्थित हो तो वो व्यक्ति को क्या फल देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना, मैं आपका हृदय से ऋणी रहूंगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।